तो गाइस ये आप मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं, तो इसी से क्रश बैरियर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो गाइस जो पोल होते हैं ना स्टील वाले, वो लगाए जाते हैं। ये क्रश बैरियर यहाँ पे इंस्टॉल करे जा रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े हाईवेज वगैरह बनते हैं तो उसमें सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्रश बैरियर लगाए जाते हैं, स्टील के होते हैं, है ना। तो इसकी फिटिंग मैनुअली करी जाती है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ब्लॉग्स। तो गाइस रोज की तरह फिर आ गया हूँ गंगा एक्सप्रेसवे पे। और गाइस आज का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और गाइस आज है मंडे। तो गाइस आज पैकेज 5 की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी और जितना ही वर्क चल रहा होगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। सो गाइस मैं खड़ा हूँ अपने विनावर से 1 किलोमीटर दूर जो मेरा गांव लगता है बौगड़ी नगर। तो गाइस मैं उस अंडरपास के ऊपर खड़ा हूँ और गाइस जा रहा हूँ आगे जो हाईवे के साइड से जो टीन लगाई जाती है ना, तो उसका वर्क मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस चलता हूँ वहीं पे और देता हूँ आपको न्यू अपडेट। सो गाइस वहीं पे चलते हैं और दिखाते हैं भाई टीन कैसे लगाई जाती है। तो लेट्स गो। ये मेरे आप सामने देख सकते हैं, तो ये वो ट्रॉली है जिस पे वो वाली मशीन रख के आई है। सो गाइस वो मशीन भी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसी मशीन है जहाँ पे जो साइड से टीन लगती है हाईवे के किनारे, तो वो लग रही है। तो उसकी जो मशीन होती है वो इस पे रख के आई है ना, तो वो मशीन भी आपको पूरा दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली मैं उस मशीन के पास में आ गया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो पोल है ना स्टील वाले, वो लगाती है। तो गाइस ये आप मशीन देख सकते हैं भाई, बहुत ही पावरफुल भाई, बहुत छोटी सी मशीन है और बहुत ही अजीब लग रही है देखने में। तो ये हाईवे की सपोर्टें लग रही थी, तो ये भाई लोग हैं ये भी देखने आए थे हाईवे भाई क्या काम चल रहा है। हाँ भाई क्या नाम है? श्री राम। तो आलू खुदाई चल रही थी ना, तभी देखने आ गए भाई। मशीन भी अजीब है तो भाई देखना तो बनता ही है। और तुम्हारा? संतोष भाई ये इधर हमारे गाँव के आस पड़ोस के लोग हैं जे, तो अक्सर यहाँ पे वर्क होता रहता है तो यहाँ लोग देखने आते रहते हैं। आप देख रहे हैं माइल्ड वीम क्रश वेरियर, तो भाई इंस्टॉलेशन हो रहा है इसका। तो गाइस एक मशीन आई जो मैंने आपको पहले दिखाई होगी, तो मशीन आपने देख ली होगी। तो गाइस ये माइल्ड स्टील क्रश वेरियर का इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे। ये टीन है ना वो भी स्टील की है यहाँ पे। ये क्रश वेरियर यहाँ पे इंस्टॉल करे जा रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े हाईवेज वगैरह बनते हैं तो उसमें सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्रश वेरियर लगाए जाते हैं। तो गाइस स्टील की पूरी रॉड है माइल्ड स्टील की, है ना, तो वो यहाँ पे मिट्टी में गाड़ के भाई इस पे ये माइल्ड स्टील लगाई जा रही है। ये बैरियर इन्हें बोलते हैं माइल्ड स्टील क्रश बैरियर। तो पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन का वर्क चल रहा है। ये जो वर्क मैं दिखा रहा हूँ ये गंगा एक्सप्रेस वे का है।
ये आप देख सकते हैं क्रश वैरियर इंस्टॉलेशन, तो कुछ इस टाइप से ये इसको इंस्टॉल किया जाता और ये माइल्ड स्टील के होते हैं, है ना। तो इसकी फिटिंग मैनुअली करी जाती है और ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, है ना, जो इसको इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। तो गाइस जितने ही बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, उन पे ये सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं रोड पे, है ना। तो ये पूरे ये जहाँ से रोड की स्टार्टिंग हुई है मेरठ से प्रयागराज तक, है ना, तो ये पूरे यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने, है ना, इनका इंस्टॉलेशन चल रहा है प्रॉपर। यहाँ पे इसकी फिक्सिंग करी जा रही है, पहले पोल लगा दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है वो लगाई जा रही है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं और उसे लगाने के लिए यहाँ पे एक मशीन है, नाम मुझे नहीं पता, है ना, तो उससे क्रश वैरियर इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसके पोल लगाए जाते हैं, है ना, स्टील वाले ये, तो उन्हीं के ऊपर ये टीन लगा दी जाती है। तो गाइस ये आप मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं, तो इसी से क्रश वैरियर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो गाइस जो पोल होते हैं ना स्टील वाले, वो लगाए जाते हैं, मिट्टी में घुसा दिए जाते हैं पूरे। तो गाइस ये मशीन काफ़ी अजीब सी लग रही है मुझे, है ना, और इसमें टायर नहीं है यहाँ पे।